हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई समय हो रहा है 10:16। अच्छी गहरी नींद लिए हैं, मस्त मजा आ गया है, उठे हैं 10 मिनट पहले। और सुबह का सबसे पहला काम भाई ये है कि रात को जो मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था वो आधा बज गया था, क्योंकि नींद आ गई थी ना, तो उसको पूरा करते हैं, गर्मा गर्म चाय पीते हैं, ब्लॉग एडिट करके घर के छोटे मोटे काम निपटा कर। और भाई साहब कल ना बाइक लेके जो आए हाईवे से, इतना कीचड़ भरी बाइक थी, ये देखो पूरी बाइक मैंने रगड़ के धोई है, मस्त शैम्पू से रगड़ के, टायर मायर नहीं धोए क्योंकि वो उंगलियों में लग जाते हैं ना, तो बाकी पूरी बॉडी धो दी है, मस्त अच्छी लाइट मारने लगी गाड़ी। और गाड़ी गंदी रहे ना तो बैठने की छोड़ो, उसको देखने तक की इच्छा नहीं होती भाई, तो गाड़ी में रोज़ धो देता हूँ और शैम्पू से 2-4 दिन में धो देता हूँ। तो ऐसे भाई काम निपटा निपटू के नहा धोकर हो गए हैं तैयार। हाँ, आज सेविंग भी कर ली है, भारी भारी सा लग रहा था तो सेविंग भी कर ली। लंच टाइम और लंच टाइम से काफ़ी लेट है, गर्मा गर्म थाली हमारी तैयार है, बनी है भाई तुरई की सब्जी, दाल चावल हरा मिर्चा, शानदार हो गई है, बहुत शानदार। शाम समय हो रहा है 7:10 कम, दोनों भाई हो गए हैं तैयार और मौसम देखो एक नंबर वाला। और आज है भाई मंथली शॉपिंग का दिन, है ना, 5 तारीख हो चुकी है, तो अपन यहाँ से चल रहे हैं तिलहरी वाले मार्केट में। बढ़िया, हमने थैला ले लिया, थैला दिखाओ, इसमें कई जो थैले हैं, ठीक है, बोरी भी है, क्योंकि वहाँ से भाई बहुत सारा सामान लाते हैं जो यहाँ तक आ जाता है गाड़ी में बैठने में, तो यहाँ से चलते हैं आराम से, मस्त पूरे शॉपिंग करते हैं, जो महीने में भाई अपनी आवश्यकता पूर्ण जरूरतें वाली चीज़ें हैं ना वो सब खरीदेंगे और इन थैलों में पैक करके लेके आएंगे। और भाई आज ना सिर्फ मार्केटिंग का दिन है, बाकी किसी चीज़ में दिमाग नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है बस सामान जाके लेके आ जाओ, कल कोई नए काम में ना फंस जाए, समय मिले या ना मिले। एक चीज मन लग रहा है ना, हाँ नींद तो मेरे को भी बहुत तेज आ रही, पर क्या है ना भाई, घर का काम सबसे पहले करके फुर्सत कर दें तो महीने भर की टेंशन दूर हो जाएगी। तो यहाँ से रवाना होते हैं। पहुंच गए भाई हम तिलहरी वाले मार्केट में, समय हो रहा है 7:20 और इस मार्केट में भाई पार्किंग ना पूरी भरी रहती है, शानदार। अब हम सबसे पहले मार्केट के अंदर नहीं जा रहे शॉपिंग करने, मस्त खाएंगे ठंडी ठंडी आइसक्रीम, जैसा आप पॉपकॉर्न, सुनो जैसा आपको पता है कि बिना आइसक्रीम खाए हम कभी मार्केटिंग करते ही नहीं है, है ना, जब से काउंटर चालू हुआ पहले आइसक्रीम का भोग लगाते हैं, उसके बाद बढ़िया शॉपिंग करते हैं, उसके बाद निकलते तो फिर आइसक्रीम खाते हैं, जाते आते ठंडक लेते हुए जाते हैं, ठीक है, पहले पॉपकॉर्न खाएंगे बटर वाले, उसके बाद आइसक्रीम। अरे यार, अब पॉपकॉर्न के बाद आइसक्रीम कैसी लगती है। चल एक काम करते हैं, इनकी भी खुशी कर देते हैं पॉपकॉर्न की, और हम तो भाई आइसक्रीम के प्रेमी हैं, लंबी चोंच वाली आइसक्रीम बनवाते हैं और मस्त खाते हैं। तो गाड़ी हमने यहाँ खड़ी कर दी है, ठीक है, पीछे आइसक्रीम का बढ़िया काउंटर बना है, चलते हैं और आइसक्रीम बनवाते हैं। घर से निकले थे तो ऑलरेडी नाश्ते का समय था, हल्की हल्की भूख सी लग रही थी, तो बिल्कुल घर जैसे, जैसे अपन पॉपकॉर्न घर में फोड़ते हैं ना उसी फ्लेवर के हैं। ये हमारी फेवरेट आइसक्रीम, यही फ्लेवर हमें बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट करके बताते कि आज ऐसी बनी है कि नहीं बनी है। बढ़िया भाई, मीठी अच्छी है। अरे शुगर कंट्रोल हो जाए, इतनी गजब की मीठी है, बहुत बढ़िया। जिसको शुगर कम होती हो ही खा ले, ठीक हो जाएगी, खा ले शुगर कंट्रोल हो जाएगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, सब बराबर हो जाएगी। ये फ्लेवर के अलावा दूसरा कोई फ्लेवर नहीं। हम पहुंच गए भाई मार्केट के अंदर, और सबसे पहले हमें चाहिए जो शाम और सुबह की ज़रूरत है, चाय। तो मैंने भाई साहब से बोला सबसे पहले चाय का पैकेट छांटो जो अपन ब्रांड की पीते हैं, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है भाई। हम आ गए भाई किराना वाले सेक्शन में, है ना, यहाँ पे सामान खुद को भरना पड़ता है, ऐसा शक्कर रखा रहता है, पोहा रखा रहता है, तो भाई साहब सबसे पहले मीठी मीठी चीज़ें भर रहे हैं, शक्कर, इसके बिना चाय नहीं बनती, इसके बिना दूध में कुछ स्वाद नहीं आता, इसके बिना हलवा नहीं बनता, तो भाई जीवन में मिठास लाने के लिए शक्कर सबसे पहले लेना बहुत ज़रूरी है ना, मीठापन है तो सब कुछ है। तो भाई हमने सबसे पहला तौलना शक्कर से चालू किया है, इसके बाद बहुत सारा आइटम देखो यहाँ पर लगा हुआ है, है ना, यहाँ पर ये है आटा दाल शक्कर, ये देखो पूरा यहाँ पर सिर्फ किराना सेक्शन ही बना हुआ है, देखो मैंने गोल गोल रानी करके आपको दिखा दिया, और वहीं आ गए अपन भाई साहब के पास में। भाई साहब बोल रहे हैं नाश्ते में अब खाएंगे सुबह अंकुरित दाल, तो ले रहे हैं कौन सी, ये मूंग की है, खड़ा मूंग ना, खड़ा मूंग की दाल खाएंगे भैया ये नाश्ते में। अब बोल रहे हैं ओट, और उसके अलावा हम ये नाश्ते में खाएंगे अंकुरित करके,
भैया को खुद वेट करना पड़ता है, फिर टैग लगाने के लिए हमें दूसरे काउंटर पर जाना पड़ता है ना। ये सर्विस है भाई अपनी, सेल्फ सर्विस। क्यों भाई साहब, मार्केटिंग करने में सबसे ज़्यादा समय जो हमारा लगता है वो किराना सेक्शन में लगता है, क्योंकि भाई यहाँ जो सर्विस है ना आपको सेल्फ सर्विस लेनी है, कोई तौल के रखने के लिए लड़के यहाँ लगे हुए नहीं रहते। तो इसी में हमारा कम से कम 40 मिनट समय जाता है यहाँ पर, सामान उठाओ, पैक करो, लो, उसके बाद फिर तौलवाओ, टैग लगाओ, उसके बाद फिर से अपनी ट्रॉली में आके रखो। मैंने अपनी ट्रॉली भाई यहाँ पार्किंग में डाल के रखी है, वहाँ बड़ा हौच पौच हो जा रहा है, भसड़ मची पड़ी। पीछे आप काउंटर भीड़ देख सकते हो कितनी टाइट है, और जब हम लोग आए थे तो बिल्कुल खाली थी। अब ये मार्केट में ना 8:30 के बाद भीड़ कम होती है, तो हम अभी किराना सेक्शन ले रहे हैं, उसके बाद आराम से पूरे में घूमेंगे। हम आ गए भाई मसाले वाले सेक्शन में, और मसाले वाले सेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण जो मसाला होता है उसको बोलते हैं हींग, साउथ इंडियन भाषा में बोलते हैं कायम, है ना, जो खाने को स्वाद देता है और तड़के के साथ मज़ेदार खुशबू देता है। तो भाई ये तो ज़रूर ले लो तुम, है ना, कायम बहुत बढ़िया। इसके बिना, अरे यहाँ तो मसाले में ना इतने सारे मसाले रखे रहते भाई कि दिमाग पिछले बार मेरा उलझ गया था कि कौन सा मसाला किस चीज़ का है। भाई साहब को मार्केट में आने के बाद सिर्फ दो चीज़ें दिखती हैं, एक टोस्ट और दूसरा नूडल्स। ये देखो नूडल्स मिल गया भाई साहब को, बल्ले बल्ले हो गए इनकी। और आज हमको टोस्ट नहीं मिला भाई, कॉम्बो पैकेट थोड़ी सी अखर गई हमको, है ना, पर यह है नूडल्स मिल गया तो बढ़िया, रात बिरात कभी बनाओ और बढ़िया चटपटे खाओ। हम आ गए भाई ओट वाले सेक्शन में, और मम्मी जी ने बोली कुछ भी सामान भूल जाना पर हमारा ओट मत भूलना, है ना, नाश्ते में। आजकल तो मैं उपमा छोड़ के यही खाने लगा हूँ यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ओट खाने में, लाइट वेट, हल्का हल्का, बढ़िया है। सुबह का नाश्ता भैया दो पैकेट ले लो तुम तो, है ना, दो पैकेट ले लो, बढ़िया है, लाइट वेट, बढ़िया, कभी भी खाओ और अपने काम पर निकल जाओ। पिछले बार हमने इस मार्केट से दूसरा वाला ब्रांड का तेल ले गए भाई, इतनी गैस हो रही थी क्या बताएं। अब हम आ गए फिर से पुराने वाले अपने ब्रांड में, इसके अलावा हम कुछ नहीं खाएंगे भाई, यही सबसे बढ़िया तेल है, खाओ और पचाओ, खाओ और पचाओ। दूसरे तेल में आज के बाद ना मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा, बहुत भुगता, पूरे एक महीने परेशान हो गए गैस की प्रॉब्लम, ये तेल खाने से ना बहुत सही रहता है। किराना आइटम भाई पूरा कंप्लीट हो गया अपना, अपने ट्रॉली में रख लिया। अब भाई साहब देख रहे हैं सिलेंडर रखने वाला स्टैंड दिखाने हैं इसी वाला, ये देखो अपने खटपट करके सिलेंडर घसीट के ले जाना पड़ता ना, उसकी जगह ये रखो, मस्त आराम से ट्रॉली की तरह ले जाओ। ये अच्छा है, ऐसा प्लास्टिक वाला भी है, लोहे वाला भी है, तीन वैरायटी है। तो भाई साहब को स्टील वाला पसंद आ रहा है, ठीक है चके फ्री है, अच्छा है, अच्छे चके हैं भाई, ये सही चीज़ है। सिलेंडर उसे खसोड़ने में फर्श बर्बाद होता है, घसीटने में उठाने की हिम्मत बस्ती नहीं है। इसमें तुम बैठ जाना, तुमके धक्का मारोगे, पूरे घर में गोल गोल रानी खेलेंगे अपन। भाई साहब देख रहे हैं भाई थर्मस, दो दो थर्मस ऑलरेडी हमारे पास रखे हैं, आधा लीटर एक लीटर में। पर भाई साहब बोले ये वाला बहुत अच्छा है, मोटा है और अंदर कॉपर बाइंडिंग वाला है, पूरा कॉपर लगा है, बहुत शानदार लग रहा है यार, एक नंबर। हाँ अच्छा है, मोटी मोटी बोतल है, बढ़िया शानदार लग रही है। हमारी शॉपिंग फाइनल हो चुकी है, समय हो रहा है 10:10, अब बिलिंग करानी है और बाहर चलना है। हमने काउंटर से भाई अपना थैला ले लिया है और बैग के टैग कटवा दिए हैं, क्योंकि काउंटर इस तरफ है और हम निकले हैं इस तरफ से, 50 मीटर चलना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बाहर ठंडा लग रहा है यार, बाहर क्या है ना अच्छा ठंडा है, अंदर एसी हल्का हल्का बंद हो गया है तो बड़ा अजीब टाइप का घुटन टाइप का लग रहा है। और भैया ये देखो पूरी ट्रॉली भर गई है यार, ट्रॉली अलग करो ना खाली वाली है, ये देखो पूरी ट्रॉली भर गई है। अब इसमें ना दो पैकेट रखने की भी जगह नहीं है, इतनी गजब की भरी है। इसका तो ठीक है भाई, अब लेकर कैसे जाओगे झोले में, ये सोच लो पहले। अभी दिखाते हैं इसको, पूरा व्यवस्थित करते हैं, फिर से देखो ये देखो नीचे से ऊपर तक पूरी ट्रॉली लबालब भरी है। हाँ ये देखो, ठीक है, हाँ ये भाई आज गजब की शॉपिंग हो गई है। भाई आइसक्रीम का काउंटर बंद हो गया, तो आते आइसक्रीम खाए थे, जाते आइसक्रीम नहीं मिल रही है। पीछे देखो पूरा काउंटर सफाई होने लगी है, इतना हम लेट हो चुके हैं। और ये देखो ये नीचे से देखो, ये अब इस पे आएगा ये बाहर वाला थैला, है ना, झोला जो पूरा है, ये पूरा झोला मैं यहाँ तक पैक हो जाएगा। तो भाई हर बार यहीं तक सामान आता है। समय हो चुका है 11:15 कम, अब मोबाइल रखते हैं बैग में, क्योंकि ये सामान पूरा ऐसे पकड़ना पड़ेगा और 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा अपन को, तो आराम से घर पहुंच जाते हैं, उसके बाद मुलाकात करते हैं। पहुंच गए भाई घर, समय हो रहा है 11:10, और गजब की बात है अपना एरिया गरम गरम है और वहाँ के एरिया भाई ओस गिर रही थी, ओस गिर रही थी बिल्कुल। मेरी पूरी से सीट जो गाड़ी खड़ी थी ना, पूरी सीट गीली हो गई थी, गाड़ी गीली हो गई थी यार, ओस गिर रही इस मौसम में। और ठंडा मौसम तो बात सुनो, वहाँ हल्का हल्का कोहरा टाइप का भी दिख रहा था बादल में, है ना, इस कारण से ओस गिर रही। पर अपने यहाँ ना उतना ठंडा नहीं है जितना भाई तिलहरी बिलहरी में ठंडा है, शानदार। इधर आ यार उजेले में, हाँ अपने यहाँ तो हल्का हल्का गरम गरम टाइप का मौसम लग रहा, और
सही बताएं तो हवा भी नहीं चल रही, झंडा बिल्कुल ऐसा खड़ा है, हिल भी नहीं रहा, और वहाँ क्या ठंडा मौसम आ रही है, ठंडी का मौसम, ठंडी के मौसम में आ रहे। और भाई 25 मिनट में हम आ गए हैं घर, अब नहाते धोते हैं फिर अंदर मिलते हैं। समय हो रहा है ठीक 12 बजे, आधी रात को भाई हमारा डिनर का समय हुआ है, क्या करें, काम भी तो जरूरी है ना। और गर्मा गर्म थाली बिल्कुल तैयार है, बना है कढ़ी पकौड़ा बहुत शानदार, गर्मा गर्म चावल, एक हरा मिर्चा, आहा कढ़ी पकौड़ा बहुत बढ़िया लगता है। तो चलते हैं, भूख भी लग चुकी है, फटाफट थाली फिनिश करते हैं। समय देखिए, समय हो रहा है 2:31, अभी कर रहा था भाई मैं बहुत जरूरी काम, अब बैठ रहा हूँ व्लॉग एडिट करने के लिए। जब तक नींद नहीं आएगी मैं व्लॉग एडिट करूँगा, नींद आएगी मैं ही सीधे पट्टे से सो जाऊँगा। तो व्लॉग की करते हैं एंडिंग, आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते कल एक नए व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।